टेनिस किसको कहते हैं टेनिस की अलग अलग फॉर्म अलग अलग सेंटेंसेस में क्या होती है और दूसरा यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्ब्स वो verbs होते हैं जहां पे एक्शन या जहां पे वर्ब सब्जेक्ट तक महदूद ना हो बल्कि सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक हो या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब वायर

When the actors, बहुत आसान अल्फाज में लिखा हुआ है अक्सर ये समझा जाता है कि एक्टिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है दैट इज डिफिकल्ट लेकिन आई गारंटी यू अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा और समझने की अच्छे तरीके से कोशिश की आपके सारी जो डिफिकल्टीज हैं वो दूर हो जाएगी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड इस टॉपिक के रिलेटेड और आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को एक्टिव से पेशु या पेशु से एक्टिव बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लेकिन करना क्या है आपको आपको वीडियो पूरा देखना है तो सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस मैंने कहा था वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट्स बहुत आसान है वर्ब को एक सेंटेंस के वर्ब को तब एक्टिव वॉइस कहेंगे जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो एक सेंटेंस में मींस यहां पे एग्जाम्पल है ही अब ये ही इसका सब्जेक्ट है इसीलिए इसको अंडरलाइन करके इस लिखा हुआ है sings, इसका वर्ब है और song, a song, इसका ऑब्जेक्ट है तो व्हाट इज दैट इंडिकेट इट इंडिकेट इज दिस जो सिंग काम है इट इज बीइंग डन ये ही खुद कर रहा है ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अब

उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं एक चीज क्लियर यहाँ पे हो जाती है कि चाहे एक्टिव चाहे में क्या होना जरूरी है वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है या दूसरे अल्फाज में मैं यह कहूंगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो तीसरी एग्जांपल आप देखिए वी आर टेलिंग अ स्टोरी वी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस

those four examples subject is uh, subject acts himself or themselves subject he could come that means this is an example of this was an example of active wise so now the passive wise passive wise will go, go through the definition of it first of all the verb is said to be in passive wise when the object acts वहां आपने देखा एक्टिव वॉइस में कि तब वर्ब को एक्टिव कहेंगे एक सेंटेंस की जब सब्जेक्ट काम कर रहा हो लेकिन यहां पे क्या है ऑब्जेक्ट एक्ट्स जब ऑब्जेक्ट काम करे जब ऑब्जेक्ट काम करे तब क्या हो जाएगा तब वो सेंटेंस पेशूवाइस कहलाएगा ठीक है पहले मैं एक एग्जांपल आ, पढ़ता हूं यहां पे उसके बाद मैं और ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा जैसे यहाँ पे हमने वहां लिखा था ही सिंग्स अ सॉन्ग यहां पे अ सॉन्ग इज संग बाय हिम अब देखिए नाउ ए सॉन्ग इट वाज दी ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस नाउ इट बिकम सब्जेक्ट ठीक है इज संग संग इज दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय बाय इज दी प्रीपोजिशन एंड हिम ही बिकम्स हिम ठीक तो मैं क्या कहूंगा मैं दूसरे अल्फाज में यह कहूंगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है का देखिए दो चीजें यहां पे क्लियर हो गई एक तो जो अभी तक एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन गया और जो वहां पे सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन गया एक तो ये चीज क्लियर हो गई दूसरा मैंने एक और चीज नोटिस की कि संग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ, लेकिन उसके अलावा और दो चीजें आ गई पता नहीं ये कहां से आ गया और पता नहीं ये बाई से आ गया और एक चीज वहां पे अगर ही लिखा हुआ था उस ही को हिम कैसे बना दीज आर थिंग्स ये ही वो चीजें हैं जिनको हमें रूल में पढ़ना है अब दो चीजें आसानी के साथ क्लियर हो जाती है एक तो अगर आपको एक्टिव वाइस से पेसिव बनानी है तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और दूसरा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है उसके अलावा ये इज कहां से आया ये बाई कहां से आया ये ही को हिम कैसे बना ये सारी चीजों का आंसर हमें रूल्स में मिलेगा जो हम डेफिनेशन के बाद पढ़ेंगे अब दूसरी एग्जाम्पल देखिए अब ए लेटर वॉज रिटन बाय हर वहां लिख के था शी रोट ए लेटर ठीक है अब शी बिकम्स दी ऑब्जेक्ट ओवर हियर लेटर वहां पे ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में अब वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया ए लेटर वाज रिटन हमने दोबारा नोटिस किया रिटन इज दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय आ गया प्रिपोजिशन और शी को हर बना कैसे बना वो हम रूल्स में आगे पढ़ेंगे दो ही चीजें क्लियर होती हैं यहाँ पर एग्जाम्पल उसको देखकर एक तो सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है अगर हमें एक्टिव से पेसिवाइज बनानी है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और दूसरी चीज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है फिर ये चीजें ये वाज कहां से आया यहां पे ये 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 इज कहां 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 से 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 आया ये कहां से आया ये से आया बाय बाय इस ही को हिम कैसे बना शी को हर कैसे बना ये हम दूसरे रूल्स में पढ़ेंगे उसके बाद तीसरा ए स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय अस अब टोल्ड इज थर्ड फॉर्म ऑफ टेल ठीक है अभी तक वी था सब्जेक्ट अब अस बन गया है सब्जेक्ट अब एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूं जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा अब एसिटोरी इट इट द द ऑफ ऑफ वर्ब वर्ब नाउ और ये इज कहा से आया बाई कहा से आया वी को अस कैसे बना ये चीजें हमें रूल में पढ़नी है फिलहाल आपको यही दो चीजें जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं यही दो चीजें जहन में रखनी है एक तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है हम आखिरी एग्जाम्पल देखेंगे द फील्ड आर वाटर्ड बाई द फार्मर अब यहाँ पे द फील्ड वाटर्ड इज दर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाईजिशन द फार्मर इज दब यहां पर फार्मर चेंज क्यों नहीं हुआ अगर यहां पर वी था अस कैसे बना वहां पर शी था हर कैसे बना वहां पर ही था हिम कैसे बना वहां पर तो फार्मर ही था ये फार्मर चेंज क्यों नहीं हुआ ठीक इन चीजों का आंसर या अगर यहाँ पे यहां पे यह इसी शॉर्ट की एग्जाम्पल थी यहां पे इस कैसे आया और यहाँ पे आर कैसे आया ये चीजें हमें रूल्स में पढ़नी है फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ तो आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है रूल्स फॉर चेंजिंग अ वर्ब फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस हर एक चीज जितना भी हमने वहां नोटिस किया हर एक चीज का कोई ना कोई रूल होता है तो हम पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा इज मेयर सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सबसे आसान रूल जो भी हमने एग्जाम्पल्स दी जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो एक्ट होता है एक्टिव वॉइस में जब हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है ठीक बहुत आसान रूल है एग्जाम्पल आप पहली डेफिनेशन में आपको समझ में आनी चाहिए दूसरा रूल क्या कहता है इफ अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होगा जिसके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे ईदर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पेसिव वॉइस एंड अदर रिमेन्स अनचेंज एक उनमें से क्या बनेगा एक उनमें से वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा और दूसरा अनचेंज रहेगा ठीक है कभी कभी सेंटें ऐसे है होते हैं वहां पे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैंने एग्जांपल में यहां लिखा हुआ है कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक ट्रांजिटिव वर्ब के अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स को हम सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे पहले आप एग्जांपल देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा ही गव मी अ बुक अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है गव इज द वर्ब ऑफ दी सेंटेंस मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है आप इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ गए एक तो आ गया इसमें अ बुक और दूसरा आ गया इसमें मी अब करना क्या है दोनों में से एक को आपको सब्जेक्ट बनाना है दूसरे को अपनी ही जगह ही, वैसे ही रखना है जैसे वो है जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आ, मैंने इनकी बनाई है मैंने इसको लिया पहले सब्जेक्ट अब आई वाज गिवन हिम ठीक या इसका दूसरा भी आ सकता है और अ बुक अब मैंने बुक को लिया सब्जेक्ट इसका अ बुक वाज गिवन टू मी बाई हिम इन इन दैट केस इफ आप ट्रांसिटिव वर्ब है हमारे पास दो ऑप्शन है उसको पेश में कन्वर्ट करने के हम दो में से किसी को भी कोई भी आ, वर्ब आ, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेंगे आप उसको पेशे वाइस का सब्जेक्ट बना लेंगे ठीक है तो हम दोनों में से कर सकते हैं उसके बाद रूल नंबर थ्री क्या कहता है द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स देशन अब जो सब्जेक्ट होगा वर्ब का एक्टिव वाइस में जब हम इसको पेस्यू में कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जैसे यहां पर ही इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अब ये क्या बनेगा ये ही पेस्यू वाइस में क्या बनेगा बिकम प्रीपोजिशन ये किसी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा जैसे यहां पर आप By is the इज दिकम्स द प्रपोजिशन अब दो और चीज एक और चीज हमारी क्लियर हो गई जो हम पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि बाई कहा से आया बाई क्योंकि रूल क्या कहता है जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वाइज का जैसे यहाँ पे ही है जब हम इसको पेशो में कन्वर्ट करेंगे ये ही बन जाएगा ऑब्जेक्ट किसी प्रपोजिशन का और नॉर्मली बाई प्रपोजिशन यूज होते हैं कभी कभी टू भी होते हैं जैसे यहाँ पे टू है ठीक है तो ये भी हमें पता चला कि वो बाई कैसे आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे वाले रूल्स की तरफ रूल नंबर दिस मोस्ट रूल ऑफ नंबर वाइस और ये उन्हीं को समझ में आ जाएगा जिन्होंने एट लीस्ट जिनको टेंस की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पता हो दो नो ऑल अबाउट दो जिनको पास्ट के चार डिफरेंट टाइप्स के बारे में पता हो प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट चार टाइप्स के बारे में पता हो और फ्यूचर टेंस के डिफरेंट चार टाइप्स के बारे में पता हो उनको इसमें बहुत ज्यादा आसानी आएगी देखो मैं क्या कह रहा हूं द वर्ब इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ एक्टिव पेसिव वॉइस अब देखिए यहां पर द वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स जो वर्ब होगा जो वर्ब है से हमने अलग अलग वर्ब पढ़े थे एक्टिव में पेश में जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे फिर उन वो अलग अलग तरीके से भी चेंज हुए थे कहीं पे इज प्लस थर्ड फॉर्म आया कहीं पे वाज प्लस थर्ड फॉर्म आया कहीं पे आ, किसी और तरीके से थर्ड फॉर्म आया बींग आया उसके बाद थर्ड फॉर्म आया वो कैसे आता है वो हमें ये फॉलोइंग रूल बताता है मैंने यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है कि कौन सा टेंस हमें अगर किसी सेंटेंस में अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब में कोई एक्टिव वॉइस में इनमें से कोई टेंस यूज हुआ होगा पेश में वर्ब को किस तरीके से चेंज करना है मैंने सारा लिखा हुआ है ठीक है पहले आप देखो वील स्टार्ट प्रेजेंट टेंस अब हमें पता है टेंसेस तीन है और सॉरी सिंपल टेनिस उसमें तीन है कंटिन्यूस टेनिस उसमें सिक्स है और परफेक्ट टेनिस उसमें और तीन है टोटल नंबर ऑफ टें पास्ट के चार प्रेजेंट के चार और फ्यूचर के चार एंड ऑल फोर आर टाइप्स टाइप्स, कॉमन ठीक है? वो पास्ट में भी है प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है। है? देखो रूल रूल क्या कहता है? कहता है, अगर किसी सेंटेंस में अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब में एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ होगा इफ इन सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज एंड The verb of it is a transitive one. And the voice of it is an active voice. Like I have given an example. He sings a song. He is the subject. Sings is the verb. A song is the object. Now this is an example of present simple tense. Because we already know that present simple tense is always equal to. When there is subject plus first form of verb. That is equal to uh, present simple tense. ठीक तो रूल क्या कहता है अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा अब हमें इसको कन्वर्ट करना है में में ये एक्टिव वाइस में था प्रेजेंट सिंपल टेंस अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में हमें ऑलरेडी पता है ना सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड भी हमने रूल पढ़ा प्रीपोजिशन के रिलेटेड भी हमने रूल पढ़ा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में भी, भी हमने रूल पढ़ा या अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं कि में इन हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखो अब मैंने यहां पर एग्जाम्पल सॉन्ग वॉज दॉस इट विल बिकम सब्जेक्ट ऑफ पेसिव वॉइस जो हमने रूल में पढ़ा ए सॉन्ग फिर इसके साथ क्या आएगा इज एम आर आएगा इज इन केस दब्जेक्ट इज सिंगर एम इनकेस दब्जेक्ट इज आई और आर आप नोट भी कर सकते हो और the subject इज plural, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना अगर ये सिंगुलर होगा तो इज आएगा अगर ये आई होगा मी होगा रादर तो एम आएगा और अगर ये प्लूलर होगा तो आर आएगा अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर इज हम यूज करेंगे एम करेंगे या आर करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो तो हमें पता ही है क्योंकि पेशी वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है प्रिपोजिशन उसके बारे में भी हमने इससे पहला वाला रूल पढ़ा और फिर ऑब्जेक्ट अब ये चेंज हो जाएंगे अब सॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा ही ऑब्जेक्ट बनेगा देखो अब किस तरीके से ए सॉन्ग बिकॉज ए सॉन्ग इज सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ इज आएगा इज एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग इज संग और बाई कहां से आया वो हमने इससे पहले वाले रूल में पढ़ा हिम बिकम्स दिम अब ही हम आगे वाले रूल में पढ़ेंगे क्लियर तो वी विंटिन्यू विस्ट सिंपल पढ़ते इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में ट्रांटिव वर्ब में उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा और एक्टिव वॉइस होगी और उसमें जो टेंस यूज हुआ होगा वो पास्ट सिंपल टेंस होगा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है सॉन्ग ऑलरेडी नो दैट पास इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है एग्जाम्पल ऑफ पास रूल क्या कहता है रूल ये कहता है अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस कहीं पे यूज हुआ है एक्टिव वाइस में किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब में पे वॉइस में हमें क्या करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी हमें पता है वो हमने पहले रूल में पढ़ा ठीक उसके बाद यूज़ करना है वर यूज करना है मगर ये वाज और वर डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट पर अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वी हैव टू यूज वाज इफ सब्जेक्ट इज पोलर देन वी हैव टू यूज वर। थर्ड फॉर्म वो हमें पता ही है प्रीपोजिशन के बारे में भी हमें पता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वो हमें ऑलरेडी पढ़ी मीन्स अगर यहां पर सॉन्ग की जगह सॉन्ग्स लिख के होता तो यहां पे वाज नहीं आता बल्कि वर आता सॉन्ग वर सांग बाय हिम ठीक तो देखो ये किस तरीके से चेंज होगा नाउ दिस सॉन्ग विल बिकम दिस सब्जेक्ट ए सॉन्ग वाज बिकॉज सॉन्ग इज अ सिंगुलर सिंगल आइटम सिंगुलर सब्जेक्ट सो इसके साथ वाज आएगा संग इज दी थर्ड फॉर्म बाय इज दी प्रीपोजिशन एंड ही बिकम्स हिम ठीक है तो दिस वाज दी सेकंड टेंस अब तीसरी टेंस की बात करते हैं दैट इज फ्यूचर सिंपल टेंस पहले ही कहा अगर आपको के नहीं है आपके आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आएगा तो पहले आपको टेंस अच्छे से पढ़ने उसके बाद आपको ये चीज आसानी के साथ समझ में आ जाएगी रूल क्या कहता है रूल कहते हैं कि अगर किसी ट्रांसिटिव वर्ब में एक्टिव वॉइस होगी और टेंस यूज हुआ होगा फ्यूचर ऑब्जेक्ट वो हमें पता है अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा प्लस विल ओब्लीग शल जो यहां पे लिखा हुआ है विल एंड शल दो इंडिकेट फ्यूचर टेंस और प्लस बी इसके साथ यूज करना है प्लस थर्ड फॉर्म वो हमें पता ही है प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर एग्जांपल है आई विल सिंग अ सॉन्ग अ सॉन्ग विल बिकम नाउ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब विल प्लस बी जो रूल कहता है ये वाली लाइन प्लस थर्ड फॉर्म संग प्लस प्रीपोजिशन बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट मी अब आई को मी कैसे बना ये चीज अभी रिजॉल्व नहीं हुई यहां ही को हिम कैसे बना

नोट लिखा हुआ है यूज बी प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर मॉडल्स अब विल uh, और शैल अपार्ट फ्रॉम दो मॉडल्स के साथ क्या रूल है रूल कहता है कि कोई भी मॉडल हो कैन कुड शेल शुड मे माइट मस्ट एंड ऑफ टू उनके साथ आपको क्या करना है पेश में एक तो आपको बी यूज करना है प्लस आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है अगर यहाँ पे लिख के होता आई कैन सिंग अ सॉन्ग तो आपको लिखना था ए सॉन्ग कैन बी संग बाय मी अगर लिख के होता आई मस्ट सिंग अ सॉन्ग ए सॉन्ग मस्ट बी संग बाय मी सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो हालांकि ये थोड़ा लंबा सा हो गया लेकिन इसके आने वाले वीडियोज भी हैं उम्मीद करते हैं कि आप आ, को समझ में आ चुका होगा कहीं पे डिफिकल्टी आपको लगी आप मैसेज uh, uh, में मुझे बता सकते हैं मैं उसको रिपीट करने की कोशिश करूंगा थैंक यू वेरी मच स्टे ब्लेसड अल्लाह अल्ला